अस्सलाम वालेकुम, नाज़मस तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे। ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी मैं, और बहुत ही आसान सी झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी स्नैक्स है ये। त्योहारों का टाइम चल रहा है, आपके घर में अचानक से कोई मेहमान या गेस्ट आ जाते हैं तो इसे आप पानी या जूस के साथ फटाफट से सर्व करके दे सकते हैं और इसे महीने दो महीने आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर ले ली हूँ आधा किलो मैदा है ये, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा और एक चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें हल्दी। हल्दी ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसे कलर थोड़ा सा देने के लिए नमक पारे को, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच ऑयल। अच्छा, आप ऑयल के जगह पे अगर घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ और इसे हम सूखे आटों में ही तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए ये देखिए, मैंने ऑयल डाल के इसे सूखे आटे में ही अच्छे से इसे तेल को मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। और ये देखिए, इस तरीके से ये आटा एकदम बन जाना चाहिए तो हमारा नमक पारे एकदम क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनेगा। और तेल या घी आप अपने पसंद से डाल सकते हैं, चाहे आपको घी डालना है या तेल डालना है, आप कोई भी डाल सकते हैं। और इस तरह डालने से हमारा नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो चलिए अभी से हम पानी थोड़ा डाल डाल के इसे गूंद लेंगे और इसे हम टाइट डो बनाएंगे। यह आटा हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, हमको टाइट इसका एक अच्छा सा डो बनाना है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से समेट लिया है पूरे आटे को। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल के इसे गूंद लेंगे, थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। चलिए ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा पानी डाल के गूंद लिया है, एकदम चिकना कर लिया है। और गूंदने के बाद भी हमारा डो अच्छा फिट है, ज़्यादा लूज़ हमें नरम नहीं रखना है। जितना थोड़ा फिट रहेगा हमारा डो तो उतना ही अच्छा क्रिस्पी हमारे नमक पारे बनेंगे। अब ये डो मैंने एकदम चिकना कर लिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे और मसल लूँगी तेल के साथ भी। चलिए ये देखिए, मैंने तेल डाल के भी इसे गूंद लिया है अच्छी तरीके से। अब ये हम इस तरीके से रोल करेंगे और इसे मैं जिस साइज़ का मुझे रोटी बेलना है उस तरीके से मैं इसमें पेड़ा बना लूँगी। चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके से 5 पेड़े रेडी किए हैं। अब इसे हम ढक के छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब इसे आप तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन आधा घंटा हम इसे थोड़ा देर के लिए रेस्ट पे देंगे तो और भी अच्छा हमारा आटा सेट हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं, आधा घंटा हो चुका है आटे को रख के इस तरीके से। अब इसे हम रोटी की तरह बेल लेंगे और इस पे हम सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इसी तरीके से हमें बेलना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से बेल लिया है।
अब मोटा पतला आप अपने हिसाब से इसे बेल सकते हैं। और इस पे हमें सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, इसी तरीके से हमें बेलना है। ये देखिए, अब इसे हम कट करेंगे। मैं एक छुरी से इस तरीके से इसे कट करूंगी, छोटा बड़ा जिस तरीके से आपको कट करना है उस तरीके से आप इसे कट कर सकते हैं। जो शेप में कट करना है वो शेप में कट कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैंने एक इस तरीके से कट लगाया। अब इस तरीके से मैं एक क्रॉस में कट करूँगी, बर्फ़ी टाइप में, जिस तरीके से हम बर्फ़ी कट करते हैं उस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, पतली पतली लंबी स्टिक में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ बर्फ़ी के टाइप में कट कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा नमक पारा कट के रेडी है। अब मैं इसे एक प्लेट में डाल लूँगी। ये देखिए, अब इस तरीके से हम एक प्लेट में इसे रख लेंगे, तरीके से निकाल के, और इसे छुरी से इस तरीके से हम हल्का सा उठाएंगे तो ये इस तरीके से निकल जाएगा। और ज़रा भी टेंशन ना ले कि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, जब जैसे ही हम तेल में इसे डालेंगे ये खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। चलिए देखिए, अब इसी तरीके से मैं बाकी और जो पेड़े हमने रखे हैं उसे भी हम इस तरीके से बेल लेंगे और कट कर लेंगे। चलिए ये देखिए, हमने सारे नमक पारे इस तरीके से कट कर लिए हैं, ये देखिए। और चलिए अब इसे तलने के प्रोसेस पे चलते हैं। चलिए ये देखिए, तेल मैंने रख दी थी पहले से गर्म होने, तेल हमारा गर्म हो चुका है और फ्लेम को हमें स्लो कर देना है। तेल गर्म होने के बाद एकदम हाई नहीं रखना है, मीडियम लो पे रखना है। और इसके बाद हम ये नमक पारे इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें तेल में डाल देंगे, इस तरीके से संभाल के डालें, तेल उड़े नहीं आपके ऊपर। ये इस तरीके, आप ये मत समझिए चिपका है तो कैसे निकलेगा, ये तेल में अपने आप ही सब छूट के अलग हो जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम तल लेंगे और फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, एकदम हाई पे नहीं, तो फटाक से हमारा नमक पारा एकदम लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए तेल में कैसे जाते ही एकदम अलग अलग हो गए हैं। ये देखिए, इसलिए कभी भी आप कट करके एक साथ भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम एक साथ रखें तो पूरे चिपक जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे हमारे, नहीं। ये देखिए तेल में कितना बढ़िया से एकदम अलग अलग हो चुके हैं। अब इसे हम धीमी आँच पर एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। चलिए ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। ये देखिए, बहुत बढ़िया एकदम क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब आटा गूंदने के समय हल्दी नहीं डालते हैं तो वो हम फ्राई करते हैं उस तरीके से बना के नमक पारा, तो वो स्किन कलर का होता है। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है तो देखिए इसका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा आया है, लाइट येल्लो कलर। ये देखिए, अब इसी तरीके से हम सारे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए ये देखिए, मैंने सारे नमक पारे ये फ्राई कर लिए हैं, इस तरीके से रेडी हो चुका है। चलिए अभी से मैं सर्व करूँगी। चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक बाउल लिया है, अब इसमें हम ये नमक पारे इस तरह से डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है ये बनता, ये इस तरीके का नमक पारा। ये रेसिपी आप इस दिवाली में ज़रूर ट्राई करें, ये मेरे तरीके से इस तरीके से झटपट से देखिए कितने जल्दी से बन गया है, ना इसमें ज़्यादा कोई सामान लगा है, ना ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी है, और फटाफट से एक बहुत ही बेहतरीन स्नैक बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, और कितना ही क्रिस्पी और टेस्टी है ये, और कोई भी मेहमान या कोई भी गेस्ट आ रहा है हमारे घर पे तो ये बहुत ही बढ़िया स्नैक है इस तरीके का, और आप उसे ये
बना के खिला सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगा। और ये हम इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट डब्बे में हम, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन। और मैं आप इसे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, देखिए बहुत ही क्रिस्पी और कितना टेस्टी है ये। तो चलिए, तो ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। और इस दिवाली आप अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।